ये बहुत सारी बेबी कैरेट्स भी आई हैं मुझे एज अ हदिया कहते हैं ना, आई थिंक हिब्बा कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो ये आई हैं। तो अभी इनको मैं पील कर रही हूँ, इनका मैं बनाऊँगी गाजर का हलवा। तो ये रमज़ान प्रिपरेशन में जो है बड़ा मुफीद रहेगा, जब मीठा खाने का दिल करे तो बंदा थोड़ा सा हलवा खा सकता है। और इसकी क्वालिटी ये होती है कि काफ़ी देर तक ये ख़राब नहीं होता है, गाजर का हलवा बिल्कुल ख़राब नहीं होता काफ़ी देर तक। तो खोया भी इंशाल्लाह घर ही प्रिपेयर करूँगी जैसे मैंने पहले किया था। लिंक डिटेल वाला मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, बनाते वक्त भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँगी। और ईमान मेरी हेल्प कर रही है, किसी ना काम की हेल्प है ना ईमान। यहाँ पर भी बन रहा है और वहाँ बन रहा है बैंगन। जी इसमें मैंने सिर्फ 3-4 इलायचियाँ डाली हैं और इसके अलावा इसके अंदर 2 कप ऑलमोस्ट आपने दूध ऐड करना है, ठीक है। फिर हल्के आंच पे इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है अभी फ़िलहाल, और मज़ीद इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, बस रन होने वाला है, बस इसका पानी इवेपोरेट हो जाए। इसमें आप बटर डाल लें या देसी घी डालें, 4 टेबल स्पून डलेगा ऑलमोस्ट बटर या देसी घी, ठीक है। इसके अलावा अब मैंने इस पॉइंट पे इसके अंदर डाल दिया है शुगर भी ऑलमोस्ट तकरीबन 1/4 कप मैंने डाली है इसके अंदर। और दूसरी तरफ जी बन रहा है हमारा खोया, ठीक है जी। 1 डिब्बा दूध है और थोड़ा सा मैंने पाउडर मिल्क इस पर डाला है। मैंने पाउडर मिल्क से पहले कभी नहीं बनाया खोया, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा मैंने कैसे खोया बनाया, तो बहुत लजीज बना था। क्योंकि इसमें थोड़ा सा बस पाउडर मिल्क डाला, मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने दूध के अंदर थोड़ा सा पाउडर मिल्क डाल दिया। और यहाँ मेरा कॉफ़ी के लिए दूध है। मैं आप लोगों से अपने फाइनल ये शक्ल तो शेयर करने भूल गई, तो ये जी फाइनल है, ये मैंने गर्म किया तो मुझे याद है बना कर ठंडा करके, तो मैंने इस प्लास्टिक के बॉक्स में रख भी दिया हुआ है और मैं भूल ही गई कि मैं वीडियो बना रही थी। तो इसके बाद मैं गार्निशिंग करूँगी एमन से, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। इधर से ठंडा हो गया ना इसलिए ये इस तरह से लग रहा है। देखिए मैंने गर्म किया है, कितने शानदार बना है ये देखिए, बहुत ही शानदार, ये बहुत मज़े का बना है, ठीक है जी। सो जी ये मैंने बादाम जो है कुंडी डंडे में कूट के तो बॉक्स में डाल के रखे थे कि क्योंकि ईमान को पसंद आए और ईमान को फिर बादाम नहीं पसंद आए। तो फिर मैंने ना सब में नहीं डाला, मैंने कहा जब खाना होगा ना तो ऊपर से ऐसे डाल लिया करूँगी। तो ये है जी मेरे गाजर के हलवे की फाइनल लुक, बहुत यम्मी बने हैं, बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन, कैसे हैं जी आप सब लोग, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और इंशाल्लाह आप लोग ये वीडियो फुल देखिए, आप लोग इन्जॉय करेंगे, बहुत मज़े की रेसिपीज़ आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जो रिफ़िल करनी होती चीज़ें, जैसे कि देसी घी होता है, ऑयल वगैरह होता है, मसाले होते हैं, गर्म मसाले होते हैं, तो वो सब चीज़ें भी मैं करूँगी। बट चूँकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें यहाँ इंक्लूड नहीं करी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी जैसे मैंने बाकी रमज़ान में प्रेप किए हैं, वो डिफरेंट है, वो भी चेकआउट करेगा इंशाल्लाह, आप इंजॉय करेंगे। सो जी ये मैंने सेटअप लगाया हुआ है, लहसुन मैंने छील लिया है, छीला नहीं है बल्कि पील था, तो इसके ऊपर से वो जो होता है ना वो बस उतारना होता है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये धनिया, अब पुदीना मैंने कर लिया, धनिया करना है, हरी मिर्चा करनी है, ठीक है। जिंजर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रीजर में मैंने फ्रीज किया हुआ है, तो ये बेसिक्स हैं पहले। इसमें धनिया पुदीना डाल दिया क्योंकि मेरा ग्राइंडर ख़राब हुआ है, वो इतनी मेहनत नहीं कर सकता, तो पहले मैंने चॉपर में ये चॉप किया। अब इसमें हरी मिर्च जाएंगी और थोड़ा सा ये मैं आइस डालूंगी ताकि जो है ना इसका कलर ग्रीन रहे, क्योंकि मैकेनिकल हीट की वजह से होता है यूँ है कि फिर आपका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो थोड़े से बस 1-3-4 आइस क्यूब्स डाल दें, तो इससे ये होता है जब भी चटनी बनाएंगे तो आपको ग्रीन ही मिलेगा, ठीक है। ये रायते के लिए ज़बरदस्त रहता है, फ्रीज़र में फ्रीज कर दूँगी और फिर आप जब चाहें इसको यूज़ करें। तो जी लहसुन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और उसके बाद यहाँ पर मैंने चॉपर में चॉप किया है, मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालती हूँ अदरक लहसुन में, और इस तरह से ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं। तो मैं हमेशा चॉपर में डालकर इन्हें चॉप करती हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक ग्लास कंटेनर में डाल रही हूँ थोड़ा सा गार्लिक, और इसमें मैंने थोड़ा सा
ऑलिव ऑयल डाल दिया है और अब इसे अच्छे से ना मैं मिक्स कर दूँगी। पहले मैं टैप कर रही हूँ कि इस तरह से नीचे जाता है कि नहीं जाता, और यहाँ से मैं थोड़ाली इसको अब मिक्स कर इस तरह से जब मैंने ऑयल इसके अंदर डाल दिया है ना, तो ये काफ़ी देर तक लाइक महीना फ्रिज में चल सकता है। ठीक है, तो आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, आप कुकिंग ऑयल जो भी यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। बाकी मैंने ज़िपलॉक बैग्स में डाल दिए हैं, क्लीन करके डाल देती हूँ, लाइक बहुत पतली लेयर में डालती हूँ तो बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अगर क्यूब्स वो मैं डालती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, तो इसलिए मैं फिर इस तरह से रखती हूँ, फ्रीज करती हूँ। ओके जी, मैंने एक हैक देखा था आज, वो ज़रा अप्लाई करते हैं। इस तरह से करना है, देन इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, एंड देन यू नो लाइक दिस और दिस, और इसको अब हम फ्रीज कर देंगे। ठीक है जी, प्लेट में रख कर सेम मैं इसी तरह इसको करूँगी, तो और आसानी से हम इनको निकाल सकेंगे। तो ये भी डन। यहाँ पर जो मैं बनाने लगी हूँ कच्चे कीमे की टिक्कियाँ, ये बहुत मज़े की बनती हैं, काफ़ी देर तक हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। तो जी, इसके लिए मैंने ले लिया यहाँ पर 1 kg मिन्स है, अभी फ्रेश आया है, बीफ मिन्स है, तो ये एक बार निकलवा लें तो कोई मसला नहीं है, मैं इसे एक बार फिर चॉपर से ना गुजरवा लूँगी तो ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, 1 kg से थोड़ा सा ऊपर है, लाइक आप कह सकते हैं 1.25 kg है। ये थोड़ा सा धनिया है जिसे मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, साथ में ये जिंजर है, और ये तकरीबन 8 हरी मिर्चें हैं हमारे पास, और एक बड़े साइज़ का प्याज है। ठीक है, और लहसुन हमें जी इतना चाहिए, ये तकरीबन 1.5 tablespoons से 2 tablespoons के अराउंड अबाउट है। ठीक है जी, अंदाज़न आप डाल सकते हैं, और अब बस इन चीज़ों को मिक्स करना है हमने, और बहुत मज़े के कबाब बनते हैं। स्पाइसेस मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये जी मैंने चॉप कर लिए है, पानी मैंने विड्रॉ कर लिया है एक्स्ट्रा, स्क्वीज अच्छे से करके पानी विड्रॉ करना ज़रूरी होता है। ठीक है जी, और फिर मैंने डाल दिया जी इसके अंदर मिन्स। ठीक है जी, और अब डाल देंगे हम इसके अंदर धनिया। ठीक है, कुटा हुआ ये धनिया है, यानी चॉप्ड धनिया है। अब जी इसके अंदर जाएंगे स्पाइसेस। तो जी यहाँ पे मैंने लिया है 1 tablespoon हमारे पास कुटी हुई मिर्च, यहाँ पर चाट मसाला है 1 tablespoon, 2.5 teaspoon हमारे पास है सॉल्ट, पिंक सॉल्ट है ये 1 tablespoon से थोड़ा सा ऊपर मैंने ज़ीरा लिया है, आप कुटा हुआ भी ले सकते हैं, मेरे पास है नहीं, मैं कर ही नहीं पा रही, मेरा ग्राइंडर ख़राब है। ठीक है जी, और यहाँ पर हमारे पास है सूखा धनिया 1 tablespoon, और गरम मसाला 1 teaspoon, 1 teaspoon लाल मिर्च का पाउडर, और 1 teaspoon से हल्का सा कम हमारे पास टर्मरिक पाउडर है, यानी हल्दी पाउडर, आप 1 teaspoon भी ले सकते हैं। और मैं एक इसके अंदर इंग्रेडिएंट भूल गई हूँ, वो भी हमने डालना है। और जी अब इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर 1/4 teaspoon है काली मिर्च का पाउडर। ठीक है, तो जो ये स्पाइसेस के अंदर जाएंगी, बहुत मज़ेदार स्पाइसी कबाब बनेंगे, मज़ा आ जाएगा। अब इन चीज़ों को, सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ, बट बिफोर दैट मैं पहनूंगी ग्लव्स। तो जी पहन लेते हैं ग्लव्स। चलो जी, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, मिक्सिंग बहुत ज़रूरी होती है कबाब में, बहुत प्रॉपरली मिक्सिंग होनी चाहिए। तो जी यहाँ पर अच्छे से कीमे को मैंने मिक्स कर लिया है, और ट्रस्ट में इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, जब मैंने मिक्सिंग स्टार्ट की तो वह मेरा दिल कर रहा था अभी बना कर मैं कबाब खा लूँ, बट नहीं, अब मैं इसको जी शेप दूंगी और फिर हम फ्रीजर में रख देंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू है, तो मुझे भी अभी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, मैं यही बता रही थी वीडियो में भी कि इनकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही है कि मैं बता नहीं सकता। असल में ये ताज़ा ताज़ा आया और तुमने ताज़ा ताज़ा बना दिया, ताज़ा ताज़ा बना दिया, फ्लेवर्स बड़े मज़े। ओह माय गॉड, अब इसके ऊपर बटर पेपर हम रख देंगे और फिर कोल्ड हैंग कर दूंगे, तो मैं फ्रीजर में रखूंगी। नहीं नहीं, अच्छा जी यहाँ पर जी ये हरी मिर्चें और ये मैंने चॉप कर ली हैं, और अब मैं ये भी रख दूंगी फ्रीज़र में ज़िपलॉक बैग में, चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, इनका टेक्सचर ऑर्डर कुछ भी चेंज नहीं होता है। ठीक है जी, ऐसे फ्लैटन करते हैं, ये पकोड़ों में बड़ी हेल्पफुल रहती है, अब कुछ भी बना रहे हो बस इसको निकाला डाला एंड यू आर गुड टू गो। सही है जी, तो ये देखिए कितनी अच्छी पार्टीशन हुई है जो हमने की थी, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त फ्रीज हो गई है। तो इस तरह से इसे ब्रेक करना आसान हो जाता है, काम करना आसान हो जाता है। देखिए इसमें भी सही से बनी हुई है लाइक क्यूब्स फॉर्म में, और इसमें भी कुछ क्यूब्स हैं तो कुछ रेक्टेंगल शेप में हैं। और जो मैंने फ्रिज में फ्रीज की है वो भी ज़बरदस्त जा रही है, लाइक फ्रिज में भी जो स्टोर की है सॉरी, वो भी मेरी ज़बरदस्त जा रहा है। उसमें मैंने सिर्फ गार्लिक पेस्ट रखा था जैसे कि मैंने शो किया, थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया था, आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से फ्रीज़र में सेफ हो गए हैं।
जो टोमेटोज हैं उनकी भी मैंने पेस्ट बनाकर फ्रीज किया था लाइक इस तरह से, बट हुआ यूँ मेरा फ्रीज़र हो गया था ख़राब एक दिन के लिए ना, तो उसमें ये थोड़ा सा मेल्ट हो गया है और इसको फिर से मुझे करना पड़ेगा। मैंने पहले इनको मोल्ड में डाला था सिलिकॉन और फिर मैंने इसको फ्रीज किया था। शो यू, सो दिस इज़ द मोल्ड, और ये क्योंकि मैंने अंदर से निकाला है तो पहले ऑब्वियसली वॉश होकर फिर ये यूज़ होता है, ठीक है। तो खैर ये मोल्ड है जी, इसमें मैंने ये फ्रीज किए थे और फिर मैंने जिपलॉक्स बैग में डाल दिया था। ये इंडिविजुअली ही फ्रोजन रहते हैं, बट हुआ यूँ जैसे कि मैंने आपको बताया है, बट कोई नहीं, इंशाल्लाह काम जो है मेरा चल ही जाएगा। 2 और 3 पैकेट्स हैं जिनमें मैंने ये फ्रीज किया है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप टमाटर भी फ्रीज कर सकते हैं। चले जी अब बना लेते हैं शामी कबाब। तो जल्दी से इंग्रेडिएंट की तरफ आते हैं। यहाँ पर जी मैंने लिए हैं 1.5 kg चिकन है, 2 ब्रेस्ट पीस हैं बड़े बड़े से और 1 1 kg का चिकन है। देन जी हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 कप दाल है जो कि मैंने अभी 15 मिनट पहले जो है भिगो के रखी है। आप इसको आधा घंटा या 1 घंटा भिगो के रखें तो ज़्यादा अच्छा होता है, बट मेरा इंस्टेंट प्लान बना है तो बस मैंने डाल दी है जी दाल। 11 से 12 आपने हरी मिर्चें लेनी है और यहाँ पर जी तकरीबन मेरे पास 1.5 जो पूरा होल होता है ना लहसुन का वो है, ठीक है जी। तकरीबन आई थिंक ये 20 जमे होंगी, 15 से 20 जमे तो होंगी, ठीक है जी। और यहाँ पर 2 टेबलस्पून है हमारे पास जिंजर का पेस्ट और 2 टमाटर हमने इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है जी। और जी ये छोटे साइज़ के अनियंस हैं इसलिए 2 लिए, वरना 1 मीडियम अनियन सफिशेंट रहेगा। अब जी आ जाते हैं स्पाइसेस की तरफ। तो यहाँ पर जी पहले होल स्पाइसेस देख लेते हैं। मेरे पास है जी 1 जावित्री है, जायफल है और यहाँ पर सिनेमन स्टिक्स हैं, तकरीबन 1/2 टीस्पून क्लोव्स यानी लौंग है, ज़ीरा मेरे पास 1.5 टेबलस्पून है, सूखा धनिया का पाउडर 1.5 टेबलस्पून है, 1 टीस्पून लाल मिर्च कुटी हुई और 1 टेबलस्पून गर्म मसाला है, 1 टीस्पून यहाँ पर काली मिर्च जिसको मैंने दरदरा से कूट लिया है, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 3 टीस्पून यहाँ सॉल्ट है, 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ठीक है। तो ये स्पाइसेस जो है इसके अंदर चली जाएंगी। अब जी पानी हमने डालना है 1 कप, थोड़ा सा और कप लेंगे लाइक 1/2 कप को लेंगे, 1.5 कप हमने इसके अंदर पानी ऐड किया है। अब इन सब चीज़ों को मैं एक बार मिक्स कर लूँगी और फिर हम विसल लगा देंगे 15 मिनट के। यहाँ पर जो हम जिंगर प्रिपेयर करने लगे हैं और ये हम फ्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 1.5 केजी चिकन है जिसको मैंने इस साइज़ के स्ट्रिप्स में कट कर लिया है और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा सॉल्ट डालकर इसको हम जो है डिप करके रख देंगे तकरीबन 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर। इससे ये होता है कि चिकन में स्मेल नहीं आती आपको, ठीक है। तो अब इसको हम मिलते हैं 15 मिनट के बाद। 1/2 आवर आप दे सकते हैं बट आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम तो बस 15 मिनट्स देंगे। तो जब तक जी हम लोगों ने चिकन को डिप करके रखा है, यहाँ पर जो कुछ स्पाइसेस की बात कर लेते हैं जो कि हमारी मैरिनेशन में जानी है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हमारे पास रेड चिली पाउडर है जो कि हमने लिया है 1.5 टीस्पून और ये 1.5 केजी चिकन के लिए लाइक 1.5 किलो है ना, आई थिंक ऐसे ही कहते हैं। अच्छा जी खैर, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है जी जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टेबलस्पून, 1/4 टीस्पून यहाँ पे हमारे पास सिट्रिक एसिड यानी टार्टरी है, 1/2 टीस्पून हमारे पास चाइनीज सॉल्ट है यानी जीनोमोटो है, यहाँ पर चिकन पाउडर हमारे पास है 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर, मस्टर्ड पाउडर यहाँ पर हमारे पास 1/2 टीस्पून है और यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 1/4 टीस्पून है चिली फ्लेक्स, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून और देन हमारे पास सॉल्ट है यहाँ पर 1.5 टीस्पून, ठीक है। सॉल्ट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल द स्पाइसेस जो कि हमारे जिंगर में जाएंगे, दैट्स इट। चिकन को मैंने अच्छे से ड्रिंक कर लिया है और अब इसके अंदर डाल देंगे। और अब जो हमने स्पाइस मिक्सचर बनाया है ना वो सिंपली ऊपर जो है ना हम पहले मिक्स कर लेते हैं और फिर हम सिंपली ऊपर डाल देंगे कुछ लेमन, कोई चीज़ आपने इसके बाद नहीं डालनी है। कोटिंग आप लोग मेरी वीडियोस में भी देख सकते हैं, पुरानी वीडियोस में भी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप वहाँ से कोटिंग देख सकते हैं। नहीं तो जब भी मैं इनको करूँगी फ्राई तो इंशाल्लाह आई विल टेल यू द कोटिंग, ठीक है जी। वो भी आप चाहें तो बना के रख सकते हैं फ्रीज़र में, ठीक है जी। तो ये हो गए हैं मिक्स और अब जी इसके ऊपर डालेंगे हम और बस इनको अच्छे से कोट कर देंगे और जिप लॉक बैग में डाल कर हम रख देंगे।
की कोटिंग अच्छे से हो चुकी है, तो इस तरह के जो जिप लॉक बैग हैं इसमें हम डाल देंगे। और इससे जो होता है ना, क्योंकि बिल्कुल लॉक हो जाते हैं तो, और फ्रीजर में चला जाते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस पहले स्टॉप कर जाते हैं, तो आपकी चीज़ का जायका नहीं ख़राब होता। ठीक है, अब महीना भर इसको सेव करें, जब मर्जी आपने इसको इस्तेमाल करना है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जी ये हमारा हो गया है जिप लॉक बिल्कुल प्रिपेयर। एक्स्ट्रा एयर निकालने की फुल कोशिश कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर भी मिनट्स हो गए हैं और पानी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, और दाल बहुत गर्म है और दाल भी हो चुकी है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी। मैं आपको चिकन दिखाती हूँ, मैंने ये सेपरेट किया ताकि जल्दी से ड्राई हो जाए। ये देखिए कितना फर्स्ट क्लास किस्म का आपका चिकन जो है वो कुक हुआ है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको बोनलेस भी दिखाती हूँ जो अंदर मैंने किया है। ये देखें ज़बरदस्त। यहाँ पर जो थोड़ा सा मॉइस्चर आपको नज़र आ रहा है इसे हम ड्राई करेंगे, वरना शामी कबाब जो है वो आपके अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए मैंने चिकन साइड पे कर लेते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए, उतनी देर में हम इधर का मॉइस्चर जो है वो ड्राई कर लेंगे। और यहाँ पर जो बिल्कुल अच्छे से मॉइस्चर ड्राई हो चुका है, और यहाँ पर ये जल्दी से बस ठंडा हो जाए इसलिए मैंने स्प्रेड कर दिया इसको, और मैंने टेस्ट भी कर लिया है। ये बहुत बहुत मज़े की बनी है भाई। और जब तक जी हमारा जो वो ड्राई हो रहा है मिक्सचर, तब तक यहाँ पर मैंने जो है वो बर्तन वगैरह धो लिए हैं। जैसे मैं दिखाती हूँ, ये देखेंगे बर्तन वगैरह धो चुके हैं, किचन नीप वगैरह हो चुका है, बस ये स्टोव टॉप साफ कर रही हूँ। यहाँ पर जो मैंने अच्छे से इसको चॉप कर लिया है, और अब इसको हम शेप दे लेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे कच्चे की कीमे की टिक्कियों के दिए हैं, और सेम उसी तरह से हम इसको फ्रीज कर लेंगे। वैसे आपने जी पानी लेना है हाथों पे, और मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, यूँ करना है, हमने एक बॉल की शेप दे देंगे और देन आई एम गोइंग टू प्रेस इट और एज स्मूथ कर लेंगे। तो जी ये रही हमारे शामी कबाब। ठीक है जी, होपफुली सी बन गया होगा। तो ये था जी आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले लाजमी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी आपसे अगले व्लॉग में, बहुत मेहनत से वीडियो बनी है, लाजमी लाइक करेगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक्स डाल दूंगी, रमजान प्रेप जो पिछले साल मैंने की थी डिटेल में है वो सारी मैं लिंक्स डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा।